नमस्कार दोस्तों, इंडियन टैलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह की मान्यताएं होती हैं। तो आपने क्या, जैसे कि पंडित होते हैं, तो पंडित लोग, पंडितों को काफी, कोई भी जो इंसान है, काफी बंदे हैं जो उनको लालची मानते हैं कि लालच है इनके अंदर, लालच भरा हुआ है, मांगते हैं पैसे हैं। देखिए, हर हर एक इंसान की अपनी एक विद्वता होती है, उस विद्वता के हिसाब से वो संस्कार कराता है, तो उसको हक है। अगर कोई आपको कोई चीज दे रहा है तो उसको हक है कि वो उतने पैसे उसके मांग सकता है। उसके पास ज्ञान है, आप उसके ज्ञान को लेना चाहते हो और चाहते हो कि हम अपनी मर्जी से उसके ज्ञान की जो है हम उसको फीस दे दें, तो ऐसा नहीं होता। अगर वो कोई पंडित अपने ज्ञान की फीस मांगता है कि मैं इतना, मैंने आपको ज्ञान दिया, मेरे को इसका इतना इतना मेरे को इसका मूल्य चाहिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, आप इस चीज को अपने पंडितों को ना बदलें, अपने मन को बदलें। अब हमारा विषय यही है कि अगर आप अपने मन को बदलेंगे तो आप देखेंगे कि उसने कितनी मेहनत करके ये विद्वता हासिल की है। तो आप उनको इस नजरिए से ना देखें कि वो लालची है, उसने लालच की है। आप अपने हिसाब से भी चला सकते हैं। जैसे अब एक मेरा मित्र था, तो वो पंडित से हवन कराना चाहता था, तो उसकी उसकी पॉकेट में क्या 200 रुपए थे। तो आजकल पंडित कम से कम 500-700 रुपए दक्षिणा लेते हैं, तो उसकी पॉकेट में थे 200 रुपए। तो उसने कहा पंडित जी के पास गए, पंडित जी मैंने अपने घर में हवन करना है, तो हवन मैं खुद भी कर सकता हूँ, तो आपने क्या करना है मेरे घर में आने, आप मतलब कि मैं आपको निमंत्रण देने आऊँ कि आप मेरे घर में आइए, मेरे घर में अतिथि बन के आइए। और इसके अलावा अगर आप हवन करना चाहते हैं तो मेरे पास 200 रुपए है, आप आ सकते हो, ठीक है, नहीं तो मैं तो हवन करूंगा, मैं तो खुद भी कर सकता हूँ हवन। करना क्या, परमात्मा का नाम लेना है, आग जला लेनी, परमात्मा का नाम लेना है, घी सामग्री उसमें डालना है, तो ये मैं खुद भी कर सकता हूँ, बाकी अगर आप देख सकते आ सकते आ जाओ। तो पंडित जी ने कहा देखिए ये इतने नहीं बनते, लेकिन चलो आप नहीं मानते तो आप 200 ही दे दो। ऐसे भी नम्रता पूर्वक डील करके भी आप कम पैसों में आप पंडित जी को अपने घर बुला सकते हो। तो ये इसमें कोई लालच नहीं है, कोई धोखा नहीं है, आपके मन में कोई वो रेशो नहीं है। आपने कहा मेरे पास जी पॉकेट में इतने पैसे हैं, इतने दूंगा, तो आप आ सकते हो। तो अपने आप वो पंडित आए, उन्होंने हवन कराया, उन्होंने अपने 200 रुपए उनको दिए, वो घर आ गया। तो इसमें कोई कौन सी लालच आई, ये लालच अगर आप जितनी पॉकेट है आप उनसे पहले मुका लें भी मेरे को इतने है पंडित जी, मैंने ये कराना है, आप कर सकते हो, तो अगर वो मानते हैं ठीक है, तो नहीं तो आप खुद कर लो। अगर आपको उसका ज्ञान खुद है, खुद कर लो, ज्ञान नहीं है तो ज्ञान की उसको कीमत दे दो, इसमें कोई लालच नहीं है। इसलिए पंडित ना बदले, अपना मन बदले। तो ऐसे और विचार के लिए आप हमारे चैनल में आते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।